छह पढ़ता तो सो रही होगी। ऐसे लड़कियां इतनी रात को जल्दी घर को नहीं आते रे। भाई इतनी रात उस्ताद के घर कहीं को आया पर? इंतेखाम ले ले। चलो। उस्ताद उठो। क्या पुरानी मैयत पड़े जैसा पड़े हुए है, चलो मून बात को जाएंगे। ये मून बात क्या होता मियां? आज पूरणमासी है ना, और पूरणमासी की रोशनी में नहाने से इफ्लासी जाती कते। क्या बेगम से जूते खिलाने का इरादा है? बेगम को ऐसा घर में बिठा के रखे तो 100 साल तक जीती उन्हें। घर के बाहर निकालो ताकि किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाए या किसी बम धमाके की जद में आके हलाक हो जाए तो तुम्हारा बोझ हल्का होता और गारमेंट से पैसे भी मिलते। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। मेरी मौत की तमन्ना करने वाले, अब देख मलकल मौत को तेरे घर पे कैसा भेजती हूँ। अरे वो शोहर को सताने वाली दोजखी औरत, मलकुल मौत खुद तेरी तलाश में है और दोजख की आग तेरे इंतजार में है। अरे कई को मेरी मौत का सामान तैयार करने के वास्ते तू लावा है मियां, जा यहाँ से। राशन कार्ड पे 2 रुपए सस्ता किलो मिलने वाले चावल, हाँ संगीत सिखाने के नाम पे तुम लोग मेरे से बासमती राइस के पैसे लूटे। तो क्या इतनी रात को उस्ताद को जलील करने के लिए आया? गुरु दक्षिणा देने आया था, दे दिया, चलतो खुदा हाफिज। इतनी मोहब्बत थी उस्ताद से, उस्ताद को बीच भंवर में छोड़ के जा रहे हैं सो? हम क्या भंवर में छोड़ेंगे खाला, इन्हें पहले से गारत के गले में। बोलो ना जी। खामोश बैठ मियां। सुबह के नाश्ते के पैसे तो ले लेना था उन लोगों से। अरे खामोश बैठ जलील औरत। मनुष्का की थी। अरे पैसे दिखाओ। अरे एडवांस देख सुजन कम हुई क्या, झाक के देख। सुजन तो कम दिख रही मगर बैग का निशान अच्छा खासा उतरे हुआ है ना भाई। आए, आए, कौन थी रे वो पुरानी मैयत, धोनी भी इतना बुरा नहीं धोता उतना बुरा धो डाली भाई। पानी, अरे नक्को रे पानी ले जा। आ, आ, भाई क्या हुआ ऐसा होंदा लेटे हुए? कुछ भी नहीं मियां। भाई की कल फुल बैटिंग हुई। अरे नहीं मियां, कल वो बैटिंग कर रहा था, रन लेते लेते गिर गया, वो सब जाने दो, पैसे लाए। अरे क्या खाली मैं देना हूँ भाई आपके पैसे? नहीं भावा, तुम्हारा अमाउंट सबसे ज्यादा है, इसके वास्ते तस्बीह पे तुम्हारा नाम ही पढ़ना पड़ता है। खैर ये थोड़े पैसों का इंतजाम हुआ, ये तो रखो बात का देखिए। ये मुट्ठी भर पैसों से क्या होता, लेते वक्त लिब्बा ले गए सो भूल गए। अरे भाई क्या मैं भाग जा रहा हूँ, शहर छोड़ के देता हूँ भाई पैसे। हल्लू हल्लू। अच्छा ठीक है जाओ। अच्छा जरा 21 दिन तक घर के बाहर रखो, निकलो, हालत देखो कैसी हो गई। कई को क्या मेरी खतना हुई जो 21 दिन लेटा हुआ हूँ? अज्जू बॉस, मैं क्या बोल रहा था, अपने नवाब साहब के वास्ते भी कुछ कर देना था, एक आध पिक्चर बना देना था इनके वास्ते भी। अरे फिल्म बनाना क्या मल्लप्पा की खीर है, प्रोड्यूसर बोले तो मजबूत होना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा रहता तो लोग घरों में दुकानों में फिल्म बना लेते थे, क्या कोई मस्करापना समझ रहा क्या तो फिल्म बनाना। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को कहां से कहां पहुंचा दिया, ऋतिक रोशन को राकेश रोशन कहां से कहां पहुंचा दिया क्रिश में, अब अपने लोगों के वास्ते भी तुम कुछ तो भी कर देना था। अरे क्या नवाब साहब मेरा बेटा है, वो लोग अपने अपने बेटों के लिए कर ले रहे। तेरे को तो मालूम है ना अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले सुपर हिट रही थी। आए? अच्छा अब आए सोते को तू फिल्म बोल रहा तो बना देंगे एक आध फिल्म, कितने करोड़ है पूछ। नवाब साहब 1-2 करोड़ रुपए लगा के 40-50 करोड़ रुपए कमा लेते। अरे फिल्म बनाने के लिए इतने पैसे कहां से लाऊंगा मियां? नवाब साहब एक बात बोलता हूँ, बुरा नहीं माना, ये आपकी जो होटल है इसको तड़क आ गई और बहुत खदीम हो गई ये होटल, ये होटल बेच दो तुम। ये होटल बेच दो बोलता रे, क्या मेरे को कछविंदा समझा? अरे यारो ये वो होटल है जहाँ निजाम सरकार आकर चाय पीते थे, यहाँ निजाम सरकार के टाइम पे टांगों पे कंदील के साइकिलों पे घोड़े गाड़ियों पे, तू मेरे को ये होटल बेचो बोलता क्या रे? तू मेरे को हालफिट समझा क्या, क्या तू हौला समझा क्या रे मेरे को? देखो नवाब साहब ये फिल्म बनने के बाद तुम्हारा जो नाम है वो यहां से यहां आ जाएगा, बड़े बड़े बैनरों पे बड़े बड़े पर्दों पे तुम्हारा नाम आएगा, नवाब साहब प्रोडक्शंस, बड़े बड़े हीरो हीरोइना विलेना सब लाइनों में ठहरेंगे, नवाब साहब प्रोडक्शंस में हम काम करते, हम काम करते। तुम खाली चार मीनार से बंजारा हिल्स की तरफ जब रवाना होंगे तो पुलिस वाले रास्ता तुमको देके बोलेंगे नवाब साहब अरे रास्ता दो, नवाब साहब अरे रास्ता दो। बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े लोगों में तुम्हारा उठना बैठना रहेगा, 5-स्टार होटल रहेंगे, 5-5
यहाँ देखो नवाब साहब, वहां देखो नवाब साहब, कोट पे नवाब साहब, लंगोट पे नवाब साहब, लुंगी पे नवाब साहब, पुंगी पे नवाब साहब, टोपी पे नवाब साहब, माले पे नवाब साहब, कुर्ते पे नवाब साहब, पैजामे पे नवाब साहब, नाड़े पे नवाब साहब, चड्डी पे नवाब साहब, बनियान पे नवाब साहब, हर जगह नवाब साहब, बसों पे नवाब साहब, एरोप्लेन पे नवाब साहब, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों पे भी बड़े बड़े लेटरों में लिखे हुआ रहेगा नवाब साहब कॉलेज, नवाब साहब स्कूल, नवाब साहब यूनिवर्सिटी। और उसके सामने जो बच्चे आइसक्रीम खाएंगे नवाब साहब के नाम का, खाके बोलेंगे वाह नवाब साहब आइसक्रीम। सोचो क्या होगा उस दिन का जब तुम्हारा नाम बड़े बड़े पर्दों पे आएगा, बड़े बड़े हीरो के बीच में आएगा, नवाब साहब, नवाब साहब, आगे नवाब साहब, पीछे नवाब साहब, यहाँ तक के गुटकों पे, सुपारियों पे, क्रेनों पे, चॉकलेट के और बिस्किटों के पर्नियों पे भी नवाब साहब ब्रांड छप जाएगा, नवाब साहब ब्रांड छप जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी। उठ मेरे लड्डू, मेरे मुन्नू, मेरे चुन्नू, शिकार के टाइम पे लोटा लेके बैठा क्या रे? अरे तेरे को शिकार दिख रहा रे वो? मेरे 5 साल की साफ मोहब्बत है वो। क्या है कि बाबा, मेरे से ये 5 साल इंतजार करना नहीं होता। अरे देख रही मिया, देख देख बाबा, उठो माँ, उठो उठो। उठ तुम खामा खा चढ़ाते रहते यारो, कब तक घूरते रहता भाई, चल मैं हूँ ना। नहीं रे भाई, मैं इसमें खुश हूँ। आप क्या घूर घूर के बच्चे पैदा करता? अरे मर्द का बच्चा बन, मर्द का बच्चा। अरे ये पर्सनालिटी किस काम की रे, चल मैं हूँ ना, फिक्र मत कर, चल तो सही चल। ऐसा परसों भी अच्छा हाथ पे लिया मिया तू, बीचे दर मेरे को छोड़ के निकल जाता, अच्छा हुआ वो बुड्ढा नहीं देखा। देखा भी तो डरना नहीं, दामाद हूँ तुम्हारा, नाम है अपना अब्बू शेर बोलना। या बेटी के सामने आवाज नहीं निकल रही, करते बुड्ढा है तो मेरी रुच खप्स हो जाती। डोंट वरी बी हैप्पी, मैं हूँ ना, चल। अरे नको रे, चल मिया, चल, फिक्र नको, चल, आ जा, कब तक भूखा रहता, संभल के देख, आराम से आ। अरे आ जा, हाँ भाई चल ऊपर चल रे, चल आ जा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालिक, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना। खजाना है क्या बुड्ढे के घर में? जब देखो जब दहलीज में अजदे के जैसा बैठा रहता, इसकी माँ का जट्टा मारे तेरा सुसरा। देखो उस्ताद, सुसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, जवान बेटियां हैं यार उसकी। जरा आपकी सहेली को बुलाओ ना। अरे लड्डू जरा बोलना रे। मुस्कान प्लीज प्लीज उनको बुलाओ ना। ओके नाजिया, नाजिया क्या है मुस्कान? माशाल्लाह क्या नाम है यारो, आदाब लखनऊ, आदाब हैदराबाद। अरे पट गए रे। मोटे की बदवा लगी, पेट्रोल भी खत्म हो गया। दीवाना दीवाना प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। अरे अब घटा रे, कहाँ जा रहा रे सलीम? अरे क्या पाशा भाई, अच्छे काम से जा रहा था, पेट्रोल भी खत्म हो गया और अब तुम भी रास्ता काट दिए। मैं रास्ता काटा? मैं क्या काली बिल्ली हूँ रे तेरा रास्ता काटने का से है? हाँ और जो मेरे पैसे बैगन में मिल रहे हैं उसका क्या होगा रे? पुगट के बिरयानियाँ तंदूरियाँ खा के मेरे पैसे बैगन में मिला रहे वो क्या है रे? हाँ पैसे दे के जाना नहीं, याद नहीं है? अरे कहाँ जा रहा? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ रे? अरे रुक रे अरे, अरे सलीम रुक बोल रहा हूँ देख तेरे को। अरे अरे रुक रे, अरे रुक रे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? पेट्रोल लिए बोल के मेरे को भगा रहा, हौला समझ रहा क्या रे? अरे पाशा भाई, शमशाबाद की जमीन की डील होने वाली है, उसका टोकन अमाउंट आते तुम्हारे पैसे तुम्हारे को देते यार। तेरी शमशाबाद की ऐसी की तैसी हो, शमशाबाद की जमीन तो सवेरा सवेरा टाउनशिप वालों की है ना रे? अरे कभी के प्लाटिंग करके बेच दियो लगा वो तो। अरे वो लोगों को मैं इस डील करा रहा हूँ भाई। तू डील करा रहा? अरे वो झूठों के सरदार, ये जो सुबह सुबह नाश्ते में तुम लोग ये जो जबान पाए नारी मंगाते और लंच में जो है सो चिकन 65 चिकन तंदूरी और बिरयानी मंगाते, इतना सब तुम लोग खाते क्या करते रे? जितना हम लोग खाना है खाते पाशा भाई, भाई का पड़ोसियों को बांट देते। अब पड़ोस में भी बांटते? ओहो वो सोप जान दो, अब मेरा बिल कब देते वो सोप जान दो, बैगन में मिल जा रही मेरी हालत। पाशा भाई लोग देख रहे अच्छा नहीं रहता, तुम्हारा कितना पैसा हुआ बोलो। ठहरो अभी हिसाब करके बोलते।
17,545 रुपए हुए है ना। रात को होटल बुला के देता हूँ, जा रहा हूँ। निकाल वे जो भी है निकाल। पाशा चले पाशा भाई, मेरी बात सुनो पाशा भाई। काले काले कपड़ों में एक लड़की, उन्हें जाती मिस हो जाती, जल्दी जाता हूँ तुम्हारे पैसे ला के देता हूँ। वो काले ड्रेस पे गई सो लंबी नाक वाली। हाँ पाशा भाई, मैं भी देखा बात। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया पाशा। अरे भाई इनका पेट्रोल, तू मेरी साइकिल लेके जा रहे, तू जा, तू कैसा, तू जा मेरी बात। अच्छा, कौन सी गली में गई? लेफ्ट को मुड़ी रे, तू जा जा देख जा, तू नहीं दिख रही रे अपनी बस्ती में। तुम भी नए आदमी को कुत्ता पहचान, ऐसा पहचान ले रहा कुत्ता कुत्ता है रे। रुक रहा। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త సినిమా వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.